उतना भी सीधी करना भाई, गिरी गिरी गिरी, ब्लैक आइस आती हुई भाई तगड़ी वाली, और स्लिप कर रही बाइक आराम से बिना ब्रेक दाबे। सबसे ज्यादा डर मुझे यही इसी का लगता है, ब्लैक आइस का ही। हाँ हैप्पी होली, हैप्पी होली आपको। गुड मॉर्निंग गाइस, तो आज है day 3 और अभी हम हैं कल्पा में। जैसे कल्पा में हमने स्टे किया था, ये सामने होम स्टे है और सामान लोड कर दिया हमने बाइक पे। ये बाइक वाइक भी रेडी है। यहाँ से 225 किलोमीटर काजा, तो आज काजा तक हमें राइड करनी है, तो कैसा रूट रहता है वो सब आपके सामने रहेगा। तो फिर निकलते हैं यहाँ से और वो एक बार दिखाता हूँ वापस होम स्टे। वहाँ से हमने अपनी बाइक यहाँ लोड कर रखी और सामने है मेरे किन्नर कैलाश। अभी वहाँ से धूप आ रही है तो शायद दिखेगा नहीं साफ। बहुत ही अच्छे व्यू में रुके हुए थे हम, बहुत अच्छे व्यू में। तो निकलते चलो फिर यहाँ से आगे की जर्नी और दिखाता हूँ, एक्सट्रीम होने वाली क्योंकि अब आगे मिलेगी बर्फ़ वाली रोड है। तो निकल लिए अपनी मंजिल पे वापस आज 8:30 हो गए दिल्ली करते करते भी। ये होटल पर रुके थे पर बाहर, यहाँ पर बाइक पार्क लगाई थी अपनी, तो नीचे जाना पड़ेगा वापस। इससे पूछ भाई से एक बार, ये लोकल है नीचे से। हाँ पुआरी है ना। हाँ लेफ्ट साइड है, ठीक है धन्यवाद। आप तो इसमें राइट पर आए थे, नीचे उतरोगे पुआरी जगह है जहाँ से दो रास्ते आते हैं कल्पा को, ये नीचे हाँ रोड है वहाँ से, ठीक है लेफ्ट, धन्यवाद भैया। तो ठीक है भाई, पहुँचते आज कैसे करके वहाँ तक। तो कुछ व्यू ऐसा है सामने के जहाँ हम रुके थे वहाँ से। यहाँ पे इतनी ठंड नहीं है, ठंड थी सिर्फ नारकंडा में और थोड़ी कुफरी में, यहाँ पे नहीं है क्योंकि थोड़ा ये नीचे है शायद, वो बिल्कुल हाइट पे था एकदम, तो वहाँ ज़्यादा ठंड थी। यहाँ पे इतनी ठंडी है, बर्फ वर्फ है ऊपर की साइड, बर्फ है साइड में, बर्फ है यहाँ पर यहाँ इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है। पर आगे जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे मिलेगी बर्फ, बर्फ की रोड है एकदम, दोनों साइड बर्फ जमी रहेगी, बीच में से रोड साफ होती रहती है वहाँ पे, वहाँ रोड साफ करते रहते हैं क्योंकि लोग लगाते रहते हैं वहाँ से, काफ़ी गाँव के लोग, तो वहाँ रोड साफ करना जरूर है। आपको कल्पा जाना है तो सीधा ऊपर जाओ, और पुहू कल जाना है तो सीधा ये जा रहा है हाईवे से निकलो सीधा, यहाँ से 15 किलोमीटर ऊपर है कल्पा। हैप्पी होली भाई, थोड़ा बाय बाय, होली मुबारक हो भाई जी, आपको भी आपको भी आपको भी आपको भी आपको भी हैप्पी होली, होली मुबारक हो भाई जी, आपको भी आपको भी आपको। तो भाई लोकल लोग मिले थे यहाँ पे होली बना रहे थे, तो उनके साथ होली बना ली थोड़ी सी पिक्चर खिंचवा ली, पर यहाँ कोई होली नहीं बना रहा क्योंकि कोरोना वायरस के कारण, पता नहीं कैसा वायरस आया कि कोई होली नहीं बनाने को तैयार। फिर मजा आ गया। तो आज काजा करते हैं और ये कुछ सीन्स ऐसे हैं आपके सामने खतरनाक। पत्थर तोड़ रहे हैं, पत्थर गिर रहे क्या हो गया, आगे आगे अरे नहीं वो तो ठीक है, वो तो मैं जब भी जाता हूँ जब वो कोई भाई रोड वोड सामने देख के जाता हूँ, कोई गाड़ी नहीं आती जब भी होता है। अरे भाई आग,
अपने ओले ओले रोडो काम चलता है यहाँ पे, मरम्मत हो रही रोडो की। ओहो पानी वाटरफॉल, पानी भगाता है अपने केटीएम को। ये बात है केटीएम भागती बहुत है, पहाड़ों के हिसाब से बहुत सही बाइक है। और 390 है वो तो और तेज भागती होगी। गायब और दूसरी तरफ खाई है बिल्कुल। कासिम नदी बह रही है हमारे राइट साइड में, और ऐसा बताते कि इसका जो लेवल होता है पानी का कभी भी बढ़ सकता है, कभी भी एकदम से ज्यादा ज्यादा बहुत ज्यादा। दो माउंटेन्स और उसके बीच में एक और माउंटेन दिखता है हल्का हल्का, और उसके ऊपर बर्फ जमी है और उसके ऊपर नीला आसमान। क्या ब्यूटी, एक दो तीन और ऊपर इसका है और साथ में उसमें बर्फ, खतरनाक। ये सामने नदी बहती हुई, हैप्पी होले, और ये पानी बहता हुआ। अरे ये कैसे पानी बह रहा है, और जब भी बाइक चलाओ तो क्लच छोड़ के चलाओ पूरा क्लच, अगर क्लच दबा के चलाओगे बाइक तो क्लच फ्लेट बैठ जाएगी, तो आराम से पूरा क्लच छोड़ दो फिर चलाओ जिस भी गियर में वो राइड करने हो। एक पेट्रोल आते हुए मस्त व्यू आते हुए बिल्कुल पहाड़ों के नीचे से, क्या रोड बनाई है भाई, बहुत ही शानदार रोड है। क्या व्यू आ रहा है यहाँ से, पूरा वाइड एंगल व्यू। वाह वाटर क्रॉसिंग, लिटिल लिटिल वाटर क्रॉसिंग, मजा आ गया। पानी गिरता होगा बच्चा ऊपर जो होगा, झरना ऊपर वाटरफॉल। और यहाँ से क्रॉस करते हैं हम, फिर एक और व्यू आ रहा है बहुत ही शानदार, किन्ना डिस्ट्रिक्ट भाई, ऑसम व्यू भाई, ऑसम भाई, सैल्यूट है भाई, प्यार हो गया ऐसे रूटों से। वाह वाह भाई वाह, मजा आ गया। और लैंडस्लाइड का सबसे बड़ा हरंगने होता रहता कभी, और पत्थर छोटे छोटे पत्थर बहुत सारे गिरते रहते हैं, तो भाई आराम से देख दिखा के चलो। वाह भाई वाह, मजा आ गया, जीवन सफल हो गया। ये भाई साहब ये भाई क्या कटिंग कर रखी है, कटिंग कटिंग करके फिर बढ़िया रोड निकाल रखी है साइड से। वो नदी बहती हुई भारत में सबसे खूबसूरत वादी हिमाचल की है। हाँ भाई भाई वादियाँ जो हिमाचल की ही है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है ये, मजा आ गया भाई यहाँ के घूमने में बहुत मजा आ गया। अरे भाई साहब गाड़ी बंद कर, गाड़ी बंद कर, गाड़ी बंद कर, उसे गाड़ी बंद कर पहले।
गाड़ी बंद कर, गाड़ी बंद कर, गाड़ी गाड़ी बंद कर, गाड़ी बंद कर, गाड़ी बंद कर। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। रुक जाओ, रुक जाओ, वो गाड़ी साइड में लगा दो एक बार पहले। इधर से स्पेस नहीं है, पकड़ के रखना, उधर से पकड़ के भाई बात करते और हो ही गया। बात करते करते और हो गया भाई काम, क्योंकि मिट्टी है सिर्फ तुम्हारी ही बाइक। आराम से अपने बैग में बताओ, ये टूट गया, निकालोगे? भाई साहब ठीक है सर, भाई ब्रेक मत लगा आगे के, चलो आगे पहुंचो। इंडिकेटर जो टूट गया फिर ये कि भाई ब्रेक बताओ आगे के। पाउडर लगाते हैं भाई साहब एकदम, ब्रेक मत दबाओ, स्लो चलाओ मिट्टी में क्योंकि स्लिप मारती है भाई। चलो बच गया, फिर बहुत दूर जाएंगे ना भाई बाइक से भी, पर तो शुक्र चोट वोट नहीं लगी कहीं। भाई ये व्यू खतरनाक है, वहां गिरा था वहां भाई पॉल सेट। जैसे पूह पहुंचने वाले 1 किलोमीटर पूह से, तो रास्ते में भाई ये लोग दिखे मेरे को, बच्चे छोटे छोटे बच्चे और ऐसे कुछ राइड करते हुए, कुछ इन्होंने अपने जुगाड़ बना रखा है। तो भाई आज क्या होली है आज, तो भाई जोर से बोल दे और हैप्पी होली। ये देखो आगे बैठ, आगे बैठ, आगे भाई आगे, आगे भाई मैं कहाँ बैठू आगे आगे, मैं इस पे ही हूँ, आगे जा, आगे जा, खड़ा जा, खड़ा जा, खड़ा खड़ा जा, खड़ा ये खड़ा खड़ा जा। बाइक गिर गया ना, अब बैठ जा, अब बैठ जा, अब बैठ जा। ओ चप्पल चप्पल, मैं चप्पल गिरा,
रुक जा, टूटा हुआ। बैठ जा। हाँ बाय बाय भाई, सबको बिठा लिया, बच्चों को सबको। हम कितने हो गए, दो चार। ओ भाई मारो मुझे। सामने वाले माउंटेन से बर्फ कम है, पर कोई नहीं, जहां हम पहुंच रहे हैं हमें वहां बर्फ ही बर्फ का ढेर है। कुछ खतरनाक रोड है, छोटी सी रोड है, और बताओ यहाँ से ट्रक भी निकल रहा है। अगर बाई चांस दो ट्रक आ गए तो कैसे निकलेगा। वाह भाई वाह, क्या पहाड़ी के सामने। फिर नीचे उतर रही रोड वापिस। तो उतरना भाई, सीधी करना भाई, गिरी। ब्लैक आइस आती हुई भाई, तगड़ी वाली, और स्लिप कर रही भाई, आराम से बिना ब्रेक दाबे। सबसे ज्यादा डर मुझे यही इसी का लगता है, ब्लैक आइस का ही, क्योंकि मेरे साथ लद्दाख में भी बहुत सीन स्लिप मार दी सीधी बाइक, तो बहुत ही आराम से भाई, आराम किए गया था। बर्फ पड़ती है और बहुत दिन पड़ी, सूखी जम जाती बर्फ पड़ी। गलती है नहीं, पड़ी रहती है बर्फ, और बड़ी बड़ी इतनी वो होती, हार्ड हो जाती कि बस डेंजरस हो जाती फिर। बहुत ही आराम से आराम। हाँ चल। और ये नाको से करीब होगा 5-6 किलोमीटर पहले, 5-7 किलोमीटर पहले। फिर से पानी और ये और आराम से जितना देखने में बर्फ दूर से इजी लगता है या रोड में इजी लगता है, पर उतना उससे ही डबल दुगना कठिन रहता है उस टाइम लाइव उसको देखना या उस पर चलना, क्योंकि दूर से बर्फ बहुत अच्छी लगती है पर पास से बर्फ बहुत खतरनाक होती है। सो गाइस, दिस इज अ लैंड ऑफ लामा एंड डोंट बिकम ए गामा, तो कुछ ऐसे वर्ड्स लिखे हुए हैं यहाँ के जो साइडों में पिलर्स आते हैं उन पे। तो ये बात सही है कि भाई ये लैंड ऑफ लामा है, तो बहुत ही तरीके से आराम से लगी, यहाँ गामा बनने की जरूरत नहीं आपको, यहाँ जो प्यार से काम होता है प्यार से करिए, फुर्ती दिखाने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ। भाई वाह, लग तक बर्फ से जो बोलते हैं कि लग तक पहाड़ ढके एकदम, क्या सीन है भाई। शाम उधर ही मेरे ख्याल से स्नोफॉल ना हो जाए तो जितना लियो यहाँ से निकलो। हमने आगे की तरफ नागोवा का सीन कुछ ऐसा है,
सिटी नुमा सिटी नुमा सिटी नुमा सिटी नुमा, बिल्कुल बर्फ बर्फ आइस आइस जमी है। तो ये है नाको, ये यहाँ रेस्टोरेंट ढाबे वाबे है, तो यहाँ रुके थोड़ी देर चाय वाय के लिए। और ये रहे पूरे पहाड़, ग्लेशियर ग्लेशियर जमा हुआ है। क्या व्यू आ रहा है भाई, एकदम काजा का। कितना किलोमीटर का यहाँ से? 34, मनाली 253। अंधेरा हो गया ऑलमोस्ट। तो काजा हम पहुंचने वाले हैं बहुत जल्द। और अब की बार जितनी बर्फ पड़ती है उतनी बर्फ है नहीं यहाँ, क्योंकि साइडों में बर्फ जमी जाती थी। और साइडों में बर्फ नहीं दिख रही, ना राइट साइड में बर्फ दिख रही, सिर्फ पहाड़ों में बर्फ है ऊपर। पर ठंड बहुत है, बहुत ज्यादा ठंड है यहाँ का। करीब 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 -16-17 डिग्री टेम्परेचर जाता है, माइनस होगा माइनस। हाँ और ऑलमोस्ट हमारा पेट्रोल भी होने वाला है खत्म, क्योंकि रिजर्व में आ चुकी है बाइक और ब्लिंक कर जा रहा है पेट्रोल का। देखो कितनी चलती है, अगर आगे मिल जाएगा पेट्रोल ब्लैक में लेगा फिर। ठंड बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत ही ज्यादा। प्लान तो रुकने का था। हाँ मिल जाएगा पेट्रोल ब्लैक में लेगा। हाँ ब्लैक में, ब्लैक में अब वो मैं रुकने का था, पर जब पूछा कि प्लान तो था टाबू में रुकने का, पर बात हुई लोगों से, लोगों से कार से जो लोग आ रहे थे जो यहाँ के लोकल है, तो उन्होंने कहा कि रोड ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से जाओ, पहुँच जाओगे 1 घंटे। अगर इस टाइम अभी यहाँ बर्फ होती तो लगता वही टाइम, बजट टाइम लगता। अभी बर्फ नहीं, रोड बिल्कुल साफ है। हिले मत भाई, हिले मत, हिले मत। और नीचे पत्थर आ रहे, मजा फुल मजा रहा, फुल तू बंदर पैसा। काजा पहुंचने वाले, काजा बिल्कुल नीचे एक दो फ्लैग ना। काजा 28 किलोमीटर, काजा 28 किलोमीटर है। कहाँ जाना है हमें यहाँ से? काजा 24 किलोमीटर, बनकर 8 किलोमीटर, काजा 24, काजा 24 है। एक मिनट आगे लगाता हूँ, आगे लगा रहा हूँ आगे। भाई किस्मत है या क्या कहूँ कि अभी और बर्फ नहीं पड़ रही। अभी ये अच्छी चीज है या बुरी चीज है, आप तय करो क्या है। रहते हैं दोनों साइड बर्फ रहती है और नीचे भी बर्फ रहती है यहाँ रोड पे। अभी इतनी बर्फ दिखी नहीं थोड़ी देर पहले। कहाँ से ले जा लो, तो थोड़ी सी बर्फ आती है फोड़ने के लिए, आराम निकलते आराम आराम से। यहाँ बर्फ भी और पानी, हाँ तो आराम आराम से लो, आराम आराम से। हाई जमी हुई है रोड पे, तो भाई रात का टाइम हो चुका है, मेरे ख्याल से 7 बज गए होंगे क्योंकि अंधेरा हो चुका है। और अभी 16 किलोमीटर और दूर है काजा। अरे काजा में एंटर हो गए और यहाँ का काजा गेट, और कहाँ रुकना है अभी देख लो भाई साहब। अरे बोलो बोलो बोलो, अरे मेरा गेट आ गया, गेट आ गया, गेट आ गया। भाई कहाँ रुकना है, सोलो बोलो कहाँ रुकना है।
डन इस विद डन वेस्ट। तो फाइनली हम काजा पहुंच गए और काजा में हम जैसे ही काजा में एंटर किए तो वहां जस्ट गेट के पास भी हमने अपना होम स्टे ले लिया। और आज का व्लॉग जितना था जो भी आपने देखा बढ़िया था। अभी तक तो आइस मिली नहीं थी ज़्यादा, सुबह देखते क्या होता है। कल तो यहीं रुकेंगे, परसों निकलेंगे यहाँ से। तो आज के लिए गुड नाइट और चैनल सब्सक्राइब करो बढ़िया से बढ़िया, फॉलो करो, शेयर करो बढ़िया। खराब है।